यूरिन से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, इसका आपकी किडनी में असर जरूर होता है। जिन लोगों को यूरिन से जुड़ी परेशानी होती है, उन्हें बॉडी में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको अपने चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस के माध्यम से बताने वाले हैं कि यूरिन में जलन क्यों होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब कभी किसी को यूरिन रिलीज करते समय दर्द या जलन का एहसास होता है, तो उसको मेडिकल शब्दों में डिसूरिया कहा जाता है। यूरिन रिलीज करते समय जलन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनको अनदेखा करना सही नहीं होता, जिससे आपकी किडनी में खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर यूरिन रिलीज करते समय जलन होती क्यों है। जब यूरिन में संक्रमण हो जाता है, तो इसके कारण यूरिन रिलीज करने में जलन और दर्द महसूस होता है। यूरिन में जलन तब होती है जब यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी हिस्से में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है, तो ये भी यूरिन रिलीज करने में जलन जैसी स्थिति बना सकता है। इसके अलावा यूरिन रिलीज करने में जलन तब होती है जब आप किसी दवा का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी की दवा खाने से भी यूरिन में जलन होने की संभावना हो सकती है। ओवरी में सिस्ट होना भी यूरिन रिलीज करते हुए जलन जैसी स्थिति बना सकता है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन होता है, उन्हें भी यूरिन रिलीज करने में जलन जैसी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आप यूरेटर यानी कि यूरिन रिलीज करने वाली नली को साफ रखने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको यूरिन रिलीज करते समय जलन होने का कारण बना सकता है। जो लोग पेल्विक हिस्से में रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, उन्हें भी यूरिन में जलन हो सकती है। और जिन लोगों को लंबे समय से यूरिनरी कैथेटर लगी हुई है, उन्हें भी यूरिन में संक्रमण हो सकता है, जो कि यूरिन में जलन बना सकता है। तो ये है कुछ कारण जो यूरिन रिलीज करते समय जलन का कारण बन सकते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ घरेलू उपायों को अपनाएं, जिसकी जानकारी के लिए आपको अपने आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो आपको आपके रिपोर्ट के हिसाब से सही डाइट की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है पेशेंट का? श्रीमती लक्ष्मी देवी। जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको? मैं बेसिकली चलने में सबसे ज़्यादा परेशानी थी। जब चलती थी तो हाँफती थी वो, 10 कदम चलने के बाद ठीक से चल नहीं पाती थी, खांसी थी, पैरों में दर्द होता था, बेसिकली वीकनेस बहुत ज़्यादा था। अभी कैसे हैं? वीकनेस बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्ट्रेंथ फील कर रही है वो, अपना काम खुद अच्छे से कर लेती है, और जो हाँपने वाली परेशानी थी वो बहुत कम गई, एक ताकत फील कर रही है और कंपेरेटिवली गुड, अच्छा रिजल्ट। तभी सेकंड टाइम आए हैं, ऑब्वियस है। आपने GFR का टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट दिखाइए। फर्स्ट अभी जो कराया ये रिपोर्ट है। ये कहाँ से कराया ये टेस्ट आपने? ये पटना से कराया। अच्छा, क्योंकि पेशेंट पटना में, ठंड में यहाँ पे लाना मुश्किल था, इसलिए मैंने वहीं पे करा लिया। पहले जब GFR कराया था तब कितना था वो? 10.1 समथिंग था। अच्छा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है GFR। जी जी।